प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मंगूराम का जीवन परिचय की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। जीवन परिचय। बाबू मंगूराम का जन्म 14 जनवरी 1886 ईस्वी को होशियारपुर जिले के मुगोवल गांव में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके घर में चमड़े का काम होता था और बचपन में मंगूराम ने भी इसमें अपने पिता का हाथ बटाया करते थे, लेकिन मंगूराम की इच्छा पढ़ने की थी, पर गरीब होने विशेषतः उनकी जात के कारण उन्हें इसकी सुविधा नहीं थी। संयोग से बालक मंगूराम का संपर्क एक साधु से हुआ और उनकी लगन देखकर साधु ने पहले स्वयं उन्हें पढ़ाया, उसके बाद दूर के एक स्कूल में कुछ समय देहरादून में भी पढ़ने का अवसर मिला। दलित होने के कारण मंगूराम को कक्षा के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, वे बाहर की खिड़की से भीतर देखकर पढ़ाई किया करते थे। गदर पार्टी से भी इन्होंने संबंध रखा। मंगूराम का संबंध कुछ समय तक गदर पार्टी से भी रहा। पार्टी ने उन्हें अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में भेजा था। समाज सुधारक के रूप में कार्य इन्होंने किया। 1925 में मंगूराम भारत लौटे। उन्होंने देश के कई स्थानों का दौरा किया और अपने वर्ग के लोगों की दुर्दशा देखी। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर में मंगूराम को प्रवेश नहीं मिला। पंजाब लौटकर मंगूराम ने अछूतों में शिक्षा प्रचार के लिए सबसे पहले अपने गांव में स्कूल खोला और उसका नाम रखा आदि धर्म स्कूल। बाद में आदि धर्म मंडल के नाम से पूरे पंजाब में उसकी शाखाएं खुली और समाज सुधार का कार्य आगे बढ़ा। यह आंदोलन मानव को परस्पर भाईचारे के बंधन में बांधने का एक प्रयत्न था। इनके प्रयत्न से अनुसूचित जात के विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में प्रवेश मिलने लगा। पंजाब में अंग्रेजों ने 1890 ईस्वी में लैंड एलिएनेशन एक्ट बनाया था। इसके अनुसार अनुसूचित जात के लोगों को गैर किसान घोषित करके उनके द्वारा खेती की जमीन की खरीद पर रोक लगा रखी थी। बाबू मंगूराम ने इसके विरोध में आवाज उठाई और अदालत ने अनुसूचित जात के लोगों को खेती की जमीन खरीदने की मान्यता दे दी। यह बहुत बड़ी सफलता थी। मंगूराम के प्रयत्नों से दलितों में शिक्षा का भी प्रचार हुआ। इनका निधन यानी कि मृत्यु। समाज सुधारक मंगूराम का निधन 22 अप्रैल 1880 यानी 22 अप्रैल 1980 को हो गया। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।